हमें अभी जो ड्रॉ करना है ये वाली फाइल में, ये वाला जो ड्रॉइंग है इसको ड्रॉ करना है। तो अभी हमने सीखा था लिमिट और यूनिट सेट करना, ओके। और उसके बाद फिर ग्रिड भी सेटिंग करना हमने सीखा था। तो ग्रिड वगैरह सेट क्या हुआ यहाँ, ये सेट किया हुआ, ओके। अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे ड्रॉइंग। इसको ड्रॉ करने के लिए आप यूज कर सकते हो दो तरह की लाइन, एक पॉली लाइन है और एक लाइन है, दोनों सेम चीज है। इसके आगे अगर यूज करोगे तो थोड़ा काफी डिफरेंसेस आएगा, लेकिन स्टार्टिंग जो है बेसिक तो दोनों सेम लगेगा आपको जब ड्रॉ करोगे आप। तो ये ड्रॉ किए पॉली लाइन से और ये ड्रॉ किया लाइन से, दोनों क्या है, दोनों सेम चीज है, लेकिन सिलेक्ट करेंगे तो क्या होता है, ये इकट्ठे सिलेक्ट हो रहा है, ओके। उसके बाद इसके बाद फिर हमें ये चीज ड्रॉ करना है, ड्रॉ करना है तो लाइन इसमें क्या है, या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल है। तो हम क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे लाइन, लाइन या पॉलीगन स्टार्ट करो, तो लाइन से हम स्टार्ट करते हैं एल एंटर। फर्स्ट पॉइंट हमने कोई भी ले लिया, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। इसमें एक ऑर्थो मोड होता है ये, इसको अगर ऑन कर दोगे ना तो लाइन तो हॉरिजॉन्टल जाएगी या तो वर्टिकल। ऑन कर दिए, इस तरफ लाइन कितनी ड्रॉ करनी है, 11 फीट 11 फीट 11 फीट 11 फीट, एक एक रूम करके हम ड्रॉ कर रहे हैं। 11 फीट 11 फीट 11 फीट 11 फीट। उसके बाद ऑफसेट ले लेंगे हम इसका, ऑफसेट यहाँ से इस ऑफसेट के लिए या तो यहाँ पे क्लिक कर दो या फिर ओ लिख के एंटर कर दो, ओ एंटर, ओके। इसके बाद फिर यहाँ पे वैल्यू डालेंगे कितना ऑफसेट करना है, तुम्हें कितना चाहिए, 9 इंच, इंच के लिए टाइप करना है एंटर। ओके, इसमें बाकी जो टूल आएगा ऐड करेंगे, बाकी ये जो वहाँ पे और कुछ छुपा हुआ यहाँ पे सब जोड़ेंगे। तो जोड़ने से पहले हम पूरा जो है अंदर वाला ड्राइंग कर लें। जैसे नेक्स्ट क्या है, ये वाला एरिया कितना है, 11 22 11 22, ओके। लाइन 11 फीट, फीट के लिए हम टाइप करते हैं 22 फीट, 11 फीट, ओके। इतना ही रहने देते हैं, ऑफसेट ले लें, ओ एंटर, 9 इंच, ओके। इसके बाद फिर से ये चीज है, ये वाला कर लेते हैं ऊपर की तरफ 16, 11 16 16 16 फीट, इधर 11 फीट। ध्यान लग रहा है कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से करना, ये चीज पता लग रहा है ना, 16 फीट। ऑफसेट कर लेंगे 9 इंच का, ओ एंटर। अब देखो हम पहले इस 9 इंच किए हुए थे तो यहाँ पे आ रहा है, तो दोबारा टाइप की जरूरत करने की जरूरत है नहीं, सिंपल एंटर कर दो, ओके। इसके बाद फिर क्या है, 6x5 ड्रॉ कर लेते हैं, 6 फीट 5 फीट, फिर 6x8 6 मैंने टाइप किया था लेकिन गलत हो गया था, तो इसको सही करने के मैं एक बार पीछे आ गया, तो अंडो होता है कंट्रोल जेड, 6 फीट
ऊपर की तरफ 8 feet, 6 feet, इसके बाद फिर ऑफसेट 9 inch का लिखा हुआ, लेकिन गलत है, यहाँ पे 6x6 ही होगा क्योंकि 5 फीट यहाँ से यहाँ तक, तो पहले 6 फीट दिया हुआ था, 5 फीट होने से होता है। सिक्स फीट ऑफसेट 6 feet. अब हमें ये कॉर्नर बचा हुआ है, कॉर्नर पे हम क्या करेंगे, फिलेट यूज कर देंगे, F एंटर, यहाँ पे रेडियस 0 सेट करना है, रेडियस पे क्लिक करके आप 0 सेट कर लो, वैसे डिफॉल्ट ये 0 सेट रहता है, और सेट करना है तो सिलेक्ट 0 एंटर, उसके बाद फिर जहाँ जहाँ कॉर्नर है वहाँ पे करो, लेकिन क्या देखें, एक बार क्लिक किए दोबारा हम स्टार्ट कर दिए, सेट किया हुआ पहले से ही, तो हमें सेट करने की जरूरत नहीं है। अब क्या देख रहे हैं कि जब भी कर रहे हैं कैंसिल हो गया कमांड, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, मल्टीपल क्लिक कर देंगे, तो जब तक हम बंद नहीं कमांड करेंगे तब तक ये चलते रहेगा, हो रहा है ना। इसके बाद फिर और हो गया कॉर्नर, अब बचा क्या है, यहाँ पे बचा है, यहाँ बचा है, ये सब बचा है, इसको ज्वाइन कर लेंगे, एक लाइन कोलिनियर लाइन हो या बीच में कटी हुई हो तो इसको हम ज्वाइन करके हम जोड़ सकते हैं, जे एंटर सेलेक्ट एंटर, फिर से जे एंटर, बार बार में जे करना पड़ रहा है, हम मल्टीपल नहीं, बार बार जे करना पड़ रहा है, हम क्या करेंगे, अभी ज्वाइन कमांड स्टार्ट किए थे जे करके एंटर करके, अगर कमांड को बंद, दोबारा वही कमांड को बंद कर स्टार्ट करना है जो स्टार्ट हुआ है, तो दोबारा एंटर सिर्फ करेंगे, सेलेक्ट एंटर, फिर से एंटर प्रेस करेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, एंटर 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 एंटर, ओके। बाकी कुछ ट्रिम करने जहाँ पे, हाँ ओके, बाकी जहाँ जहाँ कट करना है वहाँ पे ट्रिम कर ले, ट्रिम एक कमांड होता है, इसके लिए हम TR दो बार एंटर करेंगे, एक एंटर दो एंटर, इसके बाद फिर जहाँ जहाँ ट्रिम करना हो यू कैन ट्रिम इट, ओके। तो इसमें इतना ही बता रहे हैं, बाकी हम बताएंगे उसको अगले वीडियो में।